Hello friends, मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला. Let's solve the MCQ of topic number series, coding decoding and odd man out series, part 2. Question number 31 है. In a certain language, Madras is coded NDESBT. How Delhi is coded in that code? Options आप देख रहे हैं. So Madras का कोड दिया हुआ है NDESBT. अब अगर हम नोट करते हैं तो ईच लेटर ऑफ द वर्ड इज वन स्टेप अहेड ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेटर ऑफ द कोड. यस, M के बाद आता है N, A के बाद आता है B, D के बाद आएगा E, R के बाद आएगा S, A के बाद आएगा B, S के बाद आएगा T. तो उसी तरीके से दिल्ली DELHIB लिखा जाएगा. So D के बाद क्या आएगा? E, E के बाद आएगा F, L के बाद आएगा M, H के बाद आएगा I and I के बाद आएगा J. So that means दिल्ली का जो कोड है that is EFMIJ and ये हमें मिलेगा ऑप्शन B में. So I can say that option B is the correct answer. Question number 32. If Raman is written as 1, 2, 3, 2, 5 and Dinesh as 6, 7, 5, 4, 8, 9, how Hamam is written? Options आप देख ही रहे हैं. So Raman RAMAN का कोड है 1, 2, 3, 2, 5. R का कोड 1, A का कोड 2, M का कोड 3, A का कोड 2, N का कोड 5. Now Dinesh is written as 6, 7, 5, 4, 8, 9. D का कोड 6, I का कोड 7, N का कोड 5, E का कोड 4, S का कोड 8, H का कोड 9. हमें लिखना है हमाम HAMAN. So H का कोड क्या है हमारे? 9. So H 9 आ गया. Now A, रमन में A का कोड क्या था? 2. So 2 will be written. M, अगर रमन में M को देखें तो M का कोड है 3. So यहां पर भी हमारा 3 आ जाएगा. A का कोड 2 है ही, M का कोड 3. So that means my code of Hamam is 92323. So that goes to option A and that is the correct answer. Question number 33. If red is coded as 6720, then green would be coded as. So red का कोड है 6720, R-E-D. So अल्फाबेट्स है from 1 to Z, that is A to Z दे रखा है and उनके अल्फाबेट नंबर्स है 1, 2, 3 से लेके 26 तक. So R is 18, E is 5, D is 4. 18, 5, 4.
नाउ इन सभी के अंदर में मैं 2 ऐड करता हूँ। अगर 2 ऐड किया तो मुझे मिलेगा 20, 7 एंड 6। तो अगर आप देखेंगे तो 6, 7 एंड 20। दैट मीन्स आपने पहले उनका ओरिजिनल नंबर लिखा अल्फाबेट वाला, उसमें आपने प्लस 2 किया और जो आंसर आया उसको फिर आपने रिवर्स में लिखा। तो सेम वे ग्रीन वुड बी रिटन। तो जी का है 7, आर इज 18, ई विल बी रिटन एज 5, एन इज 14। इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस 2 सभी में कर देंगे, तो सब में ऐड करने के बाद मुझे मिलेगा 9, 20, 7, 7, 16। सो दैट मीन्स दिस विल बी रिटन एज 16, 7, 7, 20 एंड 9। तो जो ग्रीन का कोड है दैट इज 16, 7, 7, 20 एंड 9। And that goes to option C. So option C is the correct answer. Question number 34. If A is equal to 1, comma, fat FAT is equal to 27, comma, faith is equal to question mark. Options you can see. So A code is 1. Now we talk about fat. F the code is 6. A the code is 1. And T the code is 20. Now, FAT का जो कोड मुझे मिला 6, 1 एंड 20, इनको मैं ऐड करता हूं और एडिशन से मुझे मिला 27। सो क्वेश्चन में मुझे फैट का जो कोड दे रखा है 27 वो मुझे मिल गया। Now in the same way I go with the faith. So F का कोड हो जाएगा 6, A का कोड हो जाएगा 1, I का कोड हो जाएगा 9, T का कोड हो जाएगा 20, and H का कोड हो जाएगा 8। अब इसी तरीके से जैसे हमने फैट का किया था वैसे ही फेथ का करेंगे और इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे। तो 6 + 1 + 9 + 20 + 8 = 2। आई विल गेट द आंसर 44। सो आई कैन से दैट ऑप्शन ए 44 इज द करेक्ट आंसर। Question number 35. If brother is coded as 2, 4, 5, 6, 7, 8, 4 and sister coded as 9, 1, 9, 6, 8, 4, what is coded for Borbers? B-O-R-B-E-R-S. So, brother 2, 4, 5, 6, 7, 8, 4, B का हो गया 2, R का कोड 4, O का कोड 5, T का कोड 6, H का कोड 7, E का कोड 8, R का कोड 4। उसी तरीके से अब सिस्टम S का 9, I का 1,
S का 9, T का 6, E का 8, R का 4. So what is the code for BORBERS? So B. तो B का कोड हो जाएगा 2. We talk about O. अगर आप ब्रदर में O को देखोगे तो that is 5. तो आप उसको 5 दे देंगे. ब्रदर में R का कोड है 4. या सिस्टर का R में कोड क्या है 4. तो ये 4 चला जाएगा. E का कोड है 8. And S का कोड है 9. So that means I can say that my answer goes to option A. 2, 5, 4, 2, 8, 4, 9. And that is the correct answer. Question number 36. If Delhi is coded as 73541 and Calcutta as 8258962, how can Calicut be coded? So Delhi ka code hai 73541, D ka 7, E ka 3, L ka 5, H ka 4, I ka 1. Calcutta C 8, A ka code 2, L ka code 5, C ka code 8, U ka code 9, T ka code 6, again T ka code 6, A ka code 2. Now hame nikalna hai Calicut ka. To C A L I C U T. To C ka code Calcutta mein kitna hai? 8. To hum isko 8 de denge. A ka code hai 2. So that means A ka code 2 de denge. L ka code hai 5. So L को 5 का कोड चला जाएगा. I का कोड है 1. So 1 will be given. U का कोड है 9 from Calcutta. So 9 will be given. And T का कोड है 6. So I can say that option C is my correct answer. Question number 37. If clock is coded as 3, 4, 2, 3, 5 and time is 8, 6, 7, 9, what will be the code of motor? Options you can see. So clock mein C ka code hai 3, L ka code hai 4, O ka code hai 2, C ka code hai 3 and K ka code hai 5. Now time, T code 8, I code 6, M ka code 7, E ka code 9. So what will be the code of motor? MOTER. So agar main yahan dekhun to M ka code ho gaya 7, O ka code clock se milega 2, T का कोड मुझे टाइम से मिलेगा 8, E का कोड मुझे टाइम में से मिलेगा 9, N L का कोड मुझे क्लॉक में से मिलेगा 4. So my answer is 72894. So I can say that option A 72894 is the correct answer. Question number 38. If Pele is coded as 2134 and Earth is coded as 41590, how is Pearl is coded?
ऑप्शंस आपके सामने हैं। नाउ पेल कोड इज 2134, पी का कोड 2, ए का कोड 1, एल का कोड 3, ई का कोड 4। अर्थ का कोड है 41590, सो दैट मीन्स ई कोड इज 4, ए का कोड 1, आर का कोड 5, टी का कोड 9 एंड एच का कोड 0। सो पी ई ए आर एल का कोड क्या? तो जो पी का कोड है वो मुझे पेल में से मिल जाएगा, पहले में से, दैट इज पी का कोड है 2, ई का कोड हो जाएगा 4, ए का कोड हो जाएगा 1, आर का कोड हो जाएगा 5 एंड एल का कोड हो जाएगा 3। सो 24153, सो आई कैन से दैट ऑप्शन बी 24153 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, इफ एल ओ एस ई इज कोडेड एज 1357 एंड जी ए आई एन इज कोडेड एज 2468, व्हाट डू फिगर 82146 स्टैंड्स फॉर? यस, अब यहां पे मैंने आपको फिगर दे दिया है, तो एल ओ एस ई लूज एल 1, O coded as 3, S coded as 5 and E coded as 7. Again, G coded as 2, A coded as 4, I is coded as 6, N is coded as 8. Now, I have been given the figure 82146. अब ये किसका कोड है? सो 8 का मतलब हो गया n, 2 g में से आएगा, 1 will come from l, 4 will come from a and 6 will come from I. So I can say that 82146 stands for NGLAI. So that goes to option A is the correct answer. Question number 40. If MEKLF is coded as 91782 and LLLJK as 88867, how can IHJED is coded as? So MEKLF ka code hai 91782, LLLJK ka code hai 88867. Now, सबसे पहले है M. अब जो M है is going 4 steps back. तो M से 4 step पे L, K, J, I पे गए और I का कोड था 9, तो M के यहाँ पे लिख दिया 9. E go still 1, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है, तो इसीलिए E पे लिख दिया आपने 1. Now we talk about K. K है 11. So यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 4 steps पीछे जाएंगे, तो J I H G, G का कोड है 7, तो you've written 7. Now L, से 8 तक जाएंगे,
अगेन यहाँ पर भी फोर स्टेप्स पीछे जा रहे हैं, इसीलिए एल का कोड क्या आ गया 8। वीडियो का अबाउट एफ, तो एफ अगेन यू विल बी गोइंग फोर स्टेप्स बैक, तो 2 आ जाएगा आंसर। जी से 4 स्टेप्स पीछे जाएंगे सेम वे, आई विल गेट द आंसर 6। सो व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट कि आपको जो भी लेटर दे रखा है उससे आपको 4 स्टेप्स पीछे जाना। सो दैट मींस आई एच जे ई डी में व्हाट आई हैव टू डू इज आई, ओके पहले जो नंबर दे रखा है वो दे देते हैं, दैट इज 6, ई का है 1। अब ऑप्शन में आप चेक करो कि 6 एंड 1 थर्ड एंड फोर्थ प्लेस पे कहां पे है, और वो मुझे दिखेगा ऑप्शन सी में। सो फ्रॉम हियर आई कैन मार्क द आंसर सी डायरेक्टली, 61 लाइज ओनली इन ऑप्शन सी। So, we can say that option C is the correct answer. If in a certain code language, name is written as 4258, then what is the code as mean? So, N-A-M-E, name ka code mein, N का कोड है 4, A का कोड है 2, M का कोड है 5, E का कोड है 8। सो मीन में M का कोड क्या हो जाएगा 5, E का कोड हो जाएगा 8, A का कोड हो जाएगा 2, N का कोड हो जाएगा 4। सो दैट मीन्स मीन इज कोडेड एज 5, 8, 2, 4। So I can say that option D is the correct answer. If gold is written as I-Q-N-F, how wind W-I-N-D can be written as code? So gold hai G-O-L-D का कोड हमने लिखा था I-Q-N-F, सो जी से आई गया, ओ एन क्यू मतलब एक लेटर छोड़ के है, एल से एक लेटर छोड़ के एन, डी से एक लेटर छोड़ के एफ, उसी तरीके से W I N D। सो W से आप एक लेटर छोड़ देंगे तो उसके बाद आता है Y, then I से एक लेटर छोड़ के आता है K, N से एक लेटर छोड़ेंगे तो P, एंड उसी तरीके से D से एक लेटर छोड़ के जाएंगे तो F। सो आई कैन से दैट माई आंसर इज YKPF। सो आई कैन से दैट ऑप्शन A इज माई आंसर। Question number 43. If rose is written as TQUG, how biscuit can be written in that code? So rose hai TQUG. So agar aap R ko dekhenge aur T ko dekhenge to ek letter chhod ke hai, O and Q ke beech mein एक लेटर छोड़ के है, एस एंड यू के बीच में एक लेटर आता है, ई एंड जी के बीच में भी एक लेटर है।
सो दैट मीन्स इन बिस्किट बी आई एस सी यू आई टी में बी से एक लेटर छोड़ के जाएंगे तो डी आ जाएगा, आई से एक लेटर छोड़ के जाएंगे तो के आ जाएगा, एस पे से एक लेटर छोड़ के आगे जाएंगे तो यू आ जाएगा, सी से एक लेटर छोड़ के जाएंगे आगे तो ई आएगा, यूज में से एक लेटर आगे अब जाएंगे तो डेट इज डब्ल्यू, एंड टी से एक लेटर आगे जाएंगे तो बी. सो दैट मीन्स योर आंसर इज डी के यू ई डब्ल्यू के वी. सो दैट आई कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44 से 46. In each of the following questions, find out the correctly coded alternatively from amongst the given four alternatives A, B, C, D में से. So, 44 में है Z, W, R, C, V, F. और आपको कोड दिया हुआ था C, Z, N, V, R, S, W, F, D का. 8, 6, 4, 7, 2, 9, 3, 5, 1. सबसे पहले है Z. तो Z का है 6. फिर है W, sorry, D. D का है 1. Then R, 2. C, 8. V, 7. F, 5. So that means my answer is 612875. So option me A, and that is my correct answer. Now next question is 45. W N C S Z V, and options aapke samne. सबसे पहले है W, तो W का क्या है भाई 3. N का कोड है 4. C का कोड है 8. S का कोड है 9. Z का कोड है 6. V का कोड है 7. सो 3, 4, 8, 9, 6, 7. सो आई कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. R, D, N, F, V, S. एंड ऑप्शंस आपके सामने. सबसे पहले है R, तो R का कोड हो जाएगा 2. D का हो जाएगा 1. N का कोड हो जाएगा 4. F का कोड हो जाएगा 5. V का कोड हो जाएगा 7. एंड एस का कोड हो जाएगा. सो दैट मीन्स 2, 1, 4, 5, 7, 9 इज माई आंसर, एंड दैट गोज टू ऑप्शन सी. सो आई कैन से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इफ दिल्ली इज कोडेड एज सी सी आई डी डी, How would you encode Bombay? Options आपके स्क्रीन पे. Delhi is coded as C C I D D. So D से एक लेटर में पीछे गए C आ गया. E
से सी, मतलब आप दो लेटर पीछे गए। एल से आई, दैट मीन्स यू वेंट थ्री लेटर्स बैक। कहने का मतलब है कि पहले तीन में वन का डिफरेंस, टू का डिफरेंस, थ्री का डिफरेंस। अब आप एच से डी गए, उसमें फोर का डिफरेंस, मतलब फोर्थ लेटर जो है वो डी है। अब आई से भी आप जाओगे तो वो फिफ्थ लेटर कंसिडर करेगा, तो फिफ्थ लेटर कौन सा हो गया डी। सो द सेम वे बॉम्बे, तो बी से एक लेटर आपको पीछे जाना है, दैट इज ई। ओ से आपको दो स्टेप पीछे जाना है, मतलब आपका जो सेकेंड लेटर है दैट इज एम। एम से आपको थर्ड लेटर पे जाना है, दैट इज बैक में जाएंगे तो जे। डी से आपको पीछे जाना है फोर लेटर्स, तो फर्स्ट लेटर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ विल बी एक्स। ई से आपको जाना है फाइव लेटर्स पीछे, तो जब आप फाइव लेटर्स पीछे जाओगे तो योर आंसर वुड बी वी। नाउ वाई से आप सिक्स लेटर्स पीछे जाते हैं, तो योर आंसर वुड बी एस। सो आई कैन से दैट बॉम्बे का जो एनकोड होगा A M J X V X and that goes to option B and that is the correct answer. In a certain code, the ripple is written as 613382 and life is written as 8192. How is pillar written in that code? So R का code हो गया 6, I का 1, double P का 3, L का 8, E का 2. Life, L का code 8, I का code 1, F का code 9, E का code 2. So उसी तरीके से pillar. So P का code हो जाएगा 3. I code will be 1, L का code हो जाएगा 8, E का code हो जाएगा 2 and in the same way R का जो code है that will be 6. So I can say that 318826. So option A, that is the correct answer. If PALAM could be given the code number 43, what code number can be given to Santa Cruz? Yes, and options are on screen page. So PALAM, so P का कोड है 16, A का कोड है 1, L का कोड है 12, M का कोड है 13. अब 16, 1, 12, 1, 13 में ऐड करते हैं और ऐड करने पे आपको मिलता है 43. इसीलिए आप बोल सकते हैं कि PALAM का जो कोड है वो 43 है. सेम वे मुझे सांता क्रूज का निकालना है, तो S का कोड है 19, A का कोड है 1,
एन का कोड है 14, टी का कोड है 20, सी का कोड है 3, आर का कोड है 18, यू का कोड है 21, एंड जेड का कोड है 26। इन सब को आप ऐड करेंगे, सो 19 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 26 will give you the answer 1, 2, 3. So I can say that option A is the correct answer. So question number 15. Directions. The number in each question below is to be codified in the following code. 7215398640 दिया है. 7 का कोड W है, 2 का L, 1 का M, 5 का S, 3 का I, 9 का N, 8 का D, 6 का J and 4 का B. And question है 184632. Options आपके सामने. So 184632 का हमें codify करना है. So 1 का अगर हम कोड देखें तो M है, 8 का कोड है D, 4 का B, 6 का J, 3 का I and 2 का L. So M, D, B, J, I, L is the answer. So I can say that option D is the correct answer. Question number 51. In a certain code, 256 means you are good. 637 means we are bad. And 358 means good and bad. Which of the following represents and in that code? And options aapke samne. So 256 ka matlab hai you are good, 637 ka matlab hai we are bad, 358 ka matlab hai good and bad. Now, अब आप इन दोनों में ये चेक करो कि कॉमन कौन सा वर्ड है एंड नंबर फिगर है. सो 256 637 में 6 इज कॉमन, यू आर गुड एंड वी आर बैड. अब ऊपर नीचे में आर कॉमन आ रहा है, सो कैन आई से दैट 6 स्टैंड्स फॉर आर. Now, we compare this two, 637, 358. अब 637 and 358 में common number कौन सा है? The answer is 3. We are bad, good and bad. अब इनके अंदर में कौन सा word common है? And that is bad. So I can say that 3 stands for bad. Now we compare this to 256 you are good, 358 me good and bad. Now what is common? 25 and 58 me common hai 5. You good, good and me common hai good. So I can say that 5 का मतलब हो गया गुड. अब बचा क्या? दिस एंड, और वो नंबर है 8.
और हमें यही फाइंड करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एंड इन दैट कोड. सो आई कैन से दैट 8 इज द करेक्ट आंसर. Now 51 to 60, find the odd man out of the following. अब हमें odd man out ढूंढना है. Options आपके सामने हैं. 3, 5, 7, 15, 17 and 19. In this, 15 is odd man out. As 15 is having a factor, whereas all other numbers are prime numbers. 3, 5, 7, 17 and 19 prime numbers हैं. 15 के factors निकलते हैं. इसीलिए odd man out जो है वो यहाँ पे 15 है. इसीलिए हम बोलेंगे option A is the correct answer. Question number 52. 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26. Options आपके सामने. So in this, 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26. तो आपको क्या लगता है कौन सा नंबर होगा इसमें odd man out? 23 is odd man out. As 23 is odd number, whereas all other numbers are even numbers. So I can say that 23 is the odd man out. So option B is the correct answer. Question number 53. 1, 4, 9, 16, 24, 25, 36. Options आपके सामने. So 1 का square, 2 का square, 3 का square, 4 का square, 5 का square and 6 का square. 24 किसका square है भाई? So 24 is an odd man out. As 24 is not a perfect square, whereas all other numbers are perfect square. So option B is the correct answer. Next question number 54. 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73, 75. And options आपके सामने. So over here, 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73 and 75. So 75 is an odd man out. As 75 is having a factor, whereas all other numbers are prime numbers जिनके factors नहीं निकलते. इसीलिए I can say that option A is the correct answer. Question 55. 16, 25, 36, 73, 144, 196, 225. ऑप्शंस आपके सामने. तो आपको क्या लगता है? यस, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, 196 14 का स्क्वायर एंड 225 15 का स्क्वायर. अब 73 क्या है? तो 73 इज अ ऑड मैन आउट. एज 73 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, whereas all other numbers are perfect square. So we can say that option B, 73, is the correct answer. Question 56. 1, 4,
9, 16, 19, 36, 49. Options आपके सामने. So 1, 4, 9, 16, 19, 36, 49. एकदम सही सोच रहे हैं आप. 19 is odd man out, as 19 is not a perfect square. Whereas all other numbers are perfect square. 1 ka square, 2 ka square, 3 ka square, 4 ka square, 6 ka square, 7 ka square. But 19 kisi ka square nahi. So we can say that option A, 19, is the correct answer. One, 5, 14, 30, 50, 55, 91. Options आपके सामने. So what we observe over here is 1 and 5 के बीच में difference है plus 4 का. 5 and 14 में difference है plus 9 का. 14 and 30 में difference है plus 16 का. 30 and 50 में difference है plus 20 का. 50 and 55 में difference है plus 5 का. 55 and 91 में difference है plus 36 का. So, हमने observe किया कि 16 से 20 और 20 से जब ये 5 का difference कम हुआ, so that means there is a problem in 50. So, I can say that 50 is an odd man out, as difference between successive number is perfect square. 4 is a 2 ka square, 9 3 ka square, 16 is 4 ka square. But 20 nahi hai. 36 is a 6 ka square. So we can say that 50 is an odd man out. So option C is the correct answer. Next question number 58. 8, 3, 5, 7, 3, 4, 6, 4, 2, 7, 5, 1, 8, 5, 3, 9, 8, 1, and 5, 3, 2. Options aapke saamne. So, 8, 3, 5, 7, 3, 4, 6, 4, 2, 751, 853, 981, and 532. ध्यान से देखो नंबर. Yes, I will wait for you. Yes, लगा दी मत. 8 and 3. And 5 plus 3 karein, so you will get the 8. In the same way, 7, 3 and 4. 3 plus 4 karo, so you will get the answer 7. Same way, 6, 4 and 2. 2 plus 4 is equal to 6 hona chahiye. 7, 5, 1. 5 plus 1 is not equal to 6. Yes, okay, 5 plus 1 6 hota hai aur ye de raha hai 7.
तो इसका मतलब ये हुआ कि 751 इज अ ऑड मैनर। अब बाकी की सीरीज को चेक कर सकते हैं। So over here I can say that option A is the correct answer. Question number 59. 4, 5, 7, 10, 14, 18, 25, 32. And options are his answer. What we observe over here is 4, 5, 7, 10, 14, 18, 25, 32 mein. Kya observe kiya? 4 and 5 mein plus 1 ka difference. 5 and 7 mein plus 2 ka difference. 7 and 10 mein plus 3 ka difference. 10 and 14 mein plus 4 ka difference. 14 and 18 mein 4 ka difference, and that is not possible. 18 and 25 mein 8 ka difference. 25 and 32 mein difference jo hai wo 7 ka. So iska matlab ye hua ke jo difference chal raha tha mera 1 2 3 4 ke baad 5 aana chahiye to 5 nahi aaya. So that means there is a problem in number 18. So I can say that odd man out यहाँ पे 18 है. So we can say that option C is the correct answer. Question number 60. 52, 51, 48, 43, 34. 27, 16. Numbers are decreasing. Options आपके सामने. So 52 and 51 में अगर हम observe करें, so difference is of minus 1. 51 and 48 का difference है minus 3. 48 and 43 का difference है minus 5. 43 and 34 का डिफरेंस है माइनस 9. नाउ अब ये रॉन्ग है क्योंकि आपका स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे डिफरेंस क्या था माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 तो अचानक माइनस 9 नहीं आ सकता ना और बाद में आ रहा है माइनस 7. सो दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम इन 34. अच्छा 27 एंड 16 में डिफरेंस है माइनस 11 का. सो आई कैन से ओवर हियर इज 34 इज अ ऑड मैन आउट. So, option B is the correct answer. Thank you friends for watching this video. Do subscribe the channel and get more videos. If you have any doubt, you have my number 760828696. Thank you.